हाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है तो यहाँ पहले भी मैं चॉप कर चुका हूँ, ये भी तो हम फिर से चॉप करेंगे। अच्छे से चॉप नहीं हो रहा है, उसको भी चॉप कर देंगे। और दो ब्रांच है उन्हें भी चॉप, ये हार्ड चॉपिंग टेक्निक से हम कर सकते हैं प्लांट को डेवलप। तो यहाँ धीरे धीरे मूवमेंट आती रहेगी और ज़्यादा ग्रोथ होगा, उसको भी चॉप करेंगे। ऐसे कर करके एक बेस स्टॉक तैयार होता है और उसके बाद तो हम ब्रांचिंग तो करवा ही लेते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है कि अब अगर आप ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर इस तरह से इतनी मोटी मोटी ब्रांचों को चॉप कर करके यहाँ से फिर से चॉपिंग होगा करके एक स्टॉक मिलता है हमें बेज, और उसी से अच्छे बोनसाई बना सकते हैं। यहाँ भी कुछ है देख सकते हैं, ये यहाँ जो ट्रेनिंग हुआ है इस जगह पे, वहाँ से फाइकस को निकालने के तब मैं ट्रेनिंग करता था तो तब यहाँ कुछ ब्रांचे में लगा देता था कटिंग, तो उन्हीं कटिंग में से ये तैयार हो गया है। तो इसको भी मैं चॉपिंग करते रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो चॉपिंग कर करके भी अच्छे से प्लांट्स बन सकते हैं, बट वक्त बहुत लगता है दोस्तों, बहुत वक्त लग जाता है और सेब अच्छे से अच्छा नहीं मिलता। तो वायरिंग से बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। देखिए ये भी यहाँ भी है, बट यहाँ भी हमें कुछ करना होगा। ये एक्स्ट्रा ग्रो हो चुके हैं कुछ ब्रांचे, तो ये रखेंगे या इन दोनों में से एक जाएगा तो उसको निकालते हैं, क्योंकि ये हेल्दी लग रहा है। अगर हमें मूवमेंट अच्छा लगता है तो पीछे वालों को भी हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ दूरी ज़्यादा है, तो दूरी थोड़ी ज़्यादा मिले इसलिए हम इसको निकाल देते हैं, और एक्स्ट्रा शूट्स हैं वो भी हटाने पड़ेंगे। तो ऐसे करते ही हम कर करके ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, और यहाँ से भी हटा देते हैं, ये वाइगर होने वाला था तो अब यहाँ न्यूट्रिएंट मिलेगा और ये इससे ये मोटा हो जाएगा। तो यही टेक्निक है, फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसका फ़ायदा भी मिलता है, बट वो अगर ज़्यादा अटैच हो गए तो फिर होगा ये कि वो जब हम निकालेंगे तो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं दोस्तों, उसको बचाने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए जब मॉनसून शुरुआत हो गई है, एक महीना लगभग हो गया है, तो तब हम ये वक्त है कि आप इस तरह प्लांट को घुमा दीजिएगा उसके जगह से, तब ये दूसरे रूट प्रोपोगेट करके अपने पोर्ट में अच्छे से सेटल हो जाएगा। ये बोगनवेलिया का प्लांट है, ये भी दूसरे भी हैं, उन सबको भी यही करना है। अगर ये नीचे जम जाते हैं तो आप ज़मीन से उठा भी सकते हैं इसे को, ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट आने लगी है इसमें। ये लगाया था हमने ग्राउंड में, फिर पिछली बार हमने उसको निकाल लिया होगा, अब ये अच्छे से ट्रेन होने लगा। देखिए उसका मोमेंट, देखिए दोस्तों गजब का मोमेंट लाने की कोशिश है। अब एक यहाँ है, ये अच्छे से जमा होगा, ये तो उसके जो रूट्स हैं उसको हमें कट कर देना है। जिससे ये पोर्ट में भी उसे रूट को जमा सके। देखिए उसका मूवमेंट भी देखिए दोस्तों, गजब का मूवमेंट है। इस मॉनसून में आप भी इस तरह के बोगनवेलिया के प्लांट लगा सकते हैं। तो यहाँ हम कैनोपी बना रहे हैं, या कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ ऐसे ही नहीं होने देना है, बढ़िया से कैनोपी डेवलप करवानी है दोस्तों। देखिए रिवर्स स्टेपर भी है, बट ये इसका प्लस पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ से क्रेजी मूवमेंट के साथ ही। तो ये कुछ छोटे छोटे पोर्ट में बड़े बड़े बोगनवेलिया ट्रेन हो रहे हैं दोस्तों। और ये जो बोगनवेलिया का प्लांट है दोस्तों, ये हमने एयर लेयरिंग किया था उसी का पार्ट है, बहुत ही बड़ा हो गया है और उसको मैं वक्त बे वक्त ट्रिमिंग करता रहता हूँ। उसको भी हम छेड़ने वाले हैं, मैं उसको निकाल के उसके जो बड़े रूट्स होंगे
उसको मुझे शेड देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है बाद में।